यस सर। तो अशोक, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एंड यू वांट स्नैप फॉर पावर प्लांट टुडे। यस सर। अशोक, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, पावर प्लांट होता क्या है अशोक? व्हाट इज अ पावर प्लांट? पावर प्लांट सर, हम पावर जनरेशन के लिए से यूज करते हैं, और इससे सर हम पावर प्लांट से सर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को मतलब जनरेट करते हैं, ताकि हम इसको सर यूज कर सके अपनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सर। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया सर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, उसे स्टीम बनाते हैं, और फिर स्टीम टर्बाइन के थ्रू इसको हम एक्सपेंड करते हैं, और आफ्टर दैट सर ये जनरेटर से कपल किया जाता है सर, और जनरेटर के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है सर। तो पावर प्लांट सर पावर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं सर, लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सर। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज लोड फैक्टर? लोड फैक्टर सर, लोड फैक्टर क्या होता है अशोक? सर लोड फैक्टर होता है कि सर जैसे कि सर जैसे पूरे दिन में सर क्या होता है कि किसी टाइम सर लोड बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है सर, और किसी टाइम कंजम्पशन घट जाता है सर। जैसे सुबह के टाइम में क्या होता है सर, कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाता है, और दोपहर के टाइम में क्या होता है सर, कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर शाम के टाइम में बढ़ जाता है, और रात में फिर सर कम हो जाता है। तो ये किस रेशियो से सर मैक्स मतलब क्या हम कितना हम यूज कर रहे हैं, और मैक्सिमम पावर प्लांट को कितना कैपेसिटी है यूज करने का सर, इसको बोलते हैं लोड फैक्टर सर। रेटेड पावर और मैक्सिमम लोड, बोथ आर सेम और देयर इज अ डिफरेंस? क्या सर, रेटेड पावर और मैक्सिमम लोड ऑन द प्लांट सेम होगा सर? रेटेड और ये सेम होगा सर, दोनों सेम हो गए? यस सर, रेटेड लोड जो होगा सर, रेटेड लोड का मतलब ये होगा पावर प्लांट मैक्सिमम कितना आउटपुट। वर्क रेशियो क्या होता है? व्हाट इज वर्क रेशियो? वर्क रेशियो सर होता है वर्क डन नेट वर्क अपॉन में सर टर्बाइन वर्क सर, डब्लू नेट अपॉन में सर डब्लू टर्बाइन हो जाएगा सर, डब्लू नेट में सर डब्लू टी माइनस डब्लू सी अपॉन डब्लू टी सर। तो वर्क रेशियो किसके लिए ज्यादा होता है? इट इज वन फॉर रैंकाइन साइकिल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और ब्राइटन साइकिल बेस्ड गैस टर्बाइन पावर प्लांट। क्योंकि वहाँ पर सर पंप वर्क निगेबल होता है, बहुत कम होता है सर, जबकि इसमें गैस टर्बाइन में सर कंप्रेसर वर्क ज्यादा होता है सर। अशोक, कैन यू ड्रॉ रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल? क्या सर, रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल के लिए जो आपका साइकिल डायग्राम है, क्या आप बना सकते हो? रीजनरेटिव किसके लिए सर, गैस टर्बाइन या स्टीम टर्बाइन के लिए सर? रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल, ओके सर। सर ऐसे हम बनाते हैं सर रैंकाइन साइकिल का सर, रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल सर, इसमें क्या करते हैं कि सम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम को सर इसमें पार्शली एक्सपेंड करते हैं, और सम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम को सर, और सम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं सर, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रीम बचता है सर उसको हम एक्सपेंड होने देते हैं, और उसके बाद फिर और थोड़ा सा रेस्ट सम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम बाहर निकालते हैं, और रेस्ट को सर एक्सपेंड होने देते हैं, उसके बाद कंडेंसर में चला जाता है सर, और जो स्ट्रीम सर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या करते हैं सर, कंडेंसर से जो वाटर आता है सर उनको रीहीट उनको दोनों को मिक्स करके सर उनका टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं सर। ये सही कहा है साइकिल आपने,
यस सर, साइकिल चाहिए सर। रीजनरेशन कहाँ पे दिखा रहे हैं, वेयर यू आर शोइंग द रीजनरेशन सर? ये लाइन हो गया रीजनरेशन सर, उसके बाद ये लाइन हो गया सर, और ये दोनों सर यहाँ मिक्स होता है सर। मिक्सिंग के बाद क्या होगा? मिक्सिंग बाद जो सर अब इधर से जो सर स्ट्रीम आ रहा है उनके साथ मिक्स होकर सर इनका टेम्परेचर को बढ़ा देता है सर। कहाँ बढ़ाया? यू आर डोंट शो दैट। मिक्स हो गया पर सर मिक्सिंग क्या सर? मिक्सिंग के बाद यू आर डोंट शो ना कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यू हैव शोन सेम करके जो कांस्टेंट प्रेशर कर्व आपका जो आता है यू टेक द सेम कांस्टेंट प्रेशर कर्व की कंडीशन बना। सर आवाज कट रहा है सर। अशोक यू आर ओनली टेकिंग द कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन इन द बॉयलर। द कर्व व्हिच यू हैव रिप्रेजेंटेड दैट कर्व इज ओनली रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन। आवाज सर कट कट का आ रहा है सर। नाउ इट्स फाइन अशोक। यस सर, हां अब ठीक है सर। आपने सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन रिप्रेजेंट किया है अशोक। रीजनरेशन की वजह से जो मीन टेंपरेचर बढ़ेगा दैट यू हैव नॉट शोन दिस डायग्राम। चलो बाद में आप कंपैरिजन करना इसको किसी स्टैंडर्ड बुक के साथ, दिस इज नॉट राइट। अशोक मेरे को ये बताओ व्हाट एडवांटेज वी विल गेट विद रीजनरेशन? हां रीजनरेशन करने से क्या एडवांटेज मिलेगा सर? एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा सर, ब्लेड इरोजन सर घट जाएगा, ड्रायनेस फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा सर, और अगर पावर आउटपुट अगर बॉयलर का साइज अगर सेम रखते हैं सर तो हमारा पावर आउटपुट सर डिक्रीज कर जाएगा और कंडेंसर का साइज सर छोटा हो जाएगा। और अगर हम पावर आउटपुट कांस्टेंट रखना चाहते हैं सर तो हम बॉयलर का साइज को बढ़ाना पड़ेगा सर हमको, क्योंकि स्टीम कंजम्पशन रेट सर डिक्रीज कर रहा है इसमें। व्हाट आर बॉयलर माउंटिंग्स सर? बॉयलर माउंटिंग बॉयलर के हम सेफ्टी के लिए सर यूज करते हैं, जैसे ब्लो अप कॉक हो जाएगा सर, प्रेशर वाल्व हो जाएगा सर। बॉयलर माउंटिंग सर प्रेशर वाल्व हो जाएगा सर, जैसे कि उसमें सर सेफ्टी वाल्व हो गया सर, सेफ्टी वाल्व जो सर अगर फ्लूड का लेयर अगर डिक्रीज कर जाता है। अच्छा अगर हम बात करें बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर की, अशोक जो बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर है दैट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर? सर ये वाटर ट्यूब बॉयलर है और हाई प्रेशर बॉयलर है सर। हाई प्रेशर है? यस सर। सर कब हम प्रेशर बॉयलर को हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं? सर जब उसका प्रेशर सर 180 बार से ऊपर हो जाता है सब सर। तो क्या बैबकॉक विलकॉक्स में प्रेशर 180 बार से ज्यादा होता है? यस सर होता है सर। अशोक यस सर दिस इज मीडियम प्रेशर बॉयलर, तो हाई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर 180 बार से ज्यादा नहीं होता। ओके सर। चलो आप मेरे को ये बताओ कि जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स हैं उसका क्या एडवांटेज होता है? नाउअडेज मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सुपर क्रिटिकल। यस सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स का क्या एडवांटेज होता है? सुपर क्रिटिकल बॉयलर में सर ड्रम नहीं होता है सर, और इनमें क्या होता है कि सर जो स्ट्रीम है सर वो लिक्विड और वेपर फेज में जाए बगैर सर सीधा स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है सर। सर इस बॉयलर में क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर में क्या करते हैं सर, उसका जो है सो स्ट्रीम जो सर लिक्विड है सर ये लिक्विड स्ट्रीम और वेपर वाले फेज में ना जा करते सर ये सीधा स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, इसमें बॉयलर ड्रम की आवश्यकता नहीं होती है सर। तो आप ये बताओ कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट क्या होता है? व्हाट आर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट? कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट सर होता है, एक होता है इसमें टॉपिंग साइकिल सर, एक होता है बॉटमिंग साइकिल सर। जैसे कि सर हम जैसे गैस टरबाइन है सर, अगर हम गैस टरबाइन को यूज करते हैं सर तो ये काफी हाई टेम्परेचर पर सर ये वर्क करता है, तो ये जो हाई टेम्परेचर पर जो वर्क करता है सर इनसे हम क्या करते हैं जो एग्जॉस्ट गैस आ रहा है सर उनको हम क्या करते हैं कि स्टीम पावर प्लांट के लिए यूज कर लेते हैं सर। तो जो स्टीम पावर प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं सर तो ये हो जाता है सर कंबाइंड मॉड्यूल बन जाता है सर, इससे कि स्टीम टर्बाइन से निकलने वाली जो वेस्ट होगा सर वेस्ट हीट जो होगा उसको उस हीट से हम क्या करते हैं उसको स्टीम टर्बाइन में यूज कर लेते हैं। तो ये सर होता है सर इसको हम बोलते हैं सर कंबाइंड साइकिल, और ये टॉप इसमें टॉपिंग और बॉटमिंग दो तरह का साइकिल होता है सर।
बिहार में आपको पता है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट? यस सर, बाढ़ का, बाढ़ के पास में सर नया थर्मल पावर प्लांट है जो जो सबसे सर बिगेस्ट पावर प्लांट है सर। वेयर दैट प्लांट इज लोकेटेड? सर ये पटना से थोड़ा सा सर आगे है सर, ये बरौनी की तरफ सर, कितने बाढ़ मेगावाट नाम का का एक प्लांट? सर, उसमें 3 मॉड्यूल है सर, 900 मेगावाट है सर, 900 मेगावाट, 900 मेगावाट 3 मॉड्यूल है सर। अशोक, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। यस सर, आप ये बताओ कि जो आपका ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन यस सर, साइकिल में जब हम रीहीटिंग करते हैं तो उससे क्या फायदे मिलते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैरिंग आउट रीहीटिंग इन ब्रेटन साइकिल? सर अगर हम ब्रेटन साइकिल में रीहीटिंग करते हैं सर, तो इससे हमारा वर्क आउटपुट सर बढ़ जाता है, वर्क ऑफ द टरबाइन सर बढ़, टरबाइन का वर्क बढ़ जाता है सर, कंप्रेसर का वर्क कांस्टेंट रहता है, तो नेट वर्क आउटपुट सर बढ़ जाता है, बट सर इफिशियंसी रीहीटिंग से घट जाता है सर। एफिशिएंसी घट जाता है। यस सर, रैंकाइन साइकिल में सर। माय लास्ट वन मोर क्वेश्चन टू यू, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पल्वराइजेशन ऑफ कॉइल? पल्वराइजेशन ऑफ कॉइल होता है सर, कोल होता है सर, कोल को क्या करते हैं सर कि छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं सर, ताकि इनको जब बर्न करने में आसानी हो सर, इनको 1 mm 2 mm के पार्टिकल में सर, पार्टिकल में इसको तोड़ देते हैं सर, ताकि इनको जो है सो अगर बॉयलर के अंदर फर्नेस पे अगर हम इसको बर्न करेंगे सर, तो काफ़ी इजीली से बर्न हो जाए सर और आसानी से बर्न हो जाए, इसलिए हम इसको करते हैं सर पल्वराइजेशन। ठीक है। तो अशोक, आप यू आर फ्रॉम बिहार, तो जो यस आपने सर, थर्मल पावर प्लांट बताया उसमें कौन सा कोल हम यूज करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ कोल इन जनरल वी यूज इन थर्मल पावर प्लांट? सर थर्मल पावर प्लांट में तो सर हम लो ग्रेड कोल भी यूज कर लेते हैं सर, बिटुमिनस यूज करते होंगे सर, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, बिटुमिनस यूज करते हैं शायद सर। इंडिया में कौन सा मिलता है लार्जेस्ट क्वांटिटी? लार्जेस्ट क्वांटिटी सर इंडिया का नहीं पता सर। अच्छा, विच वन टाइप ऑफ कोल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी कोल? बी टू बी ना सर, बिटुमिनस। यस सर, चलो मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ अभी। तो ये थोड़ा देखो आप, ये आप जो पावर प्लांट है बिहार में, पावर प्लांट कौन कौन से हैं, एनर्जी कंजप्शन बिहार का कैसे आप फुलफिल करते हैं, टाइप्स ऑफ कोयल, पालोराइजेशन, तो आपने चलो ठीक बताया। आप बिटुमिनस यस ही सर, होता बेस्ट क्वालिटी, ये चेक करना आप। एंथ्रासाइट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, एंथ्रासाइट अच्छा होता है सर। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी होता है आपका। ओके सर, और इसमें क्या क्या, कितना कार्बन परसेंटेज होता है, कितना मॉइस्चर होता है, ये सबका देख के रखो आप। तो ओके कोयल सर, पल्वराइजेशन, कोल हैंडलिंग के बारे में, ऐश हैंडलिंग के बारे में, डिफरेंट सर्किट्स इन थर्मल पावर प्लांट, एयर गैस सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट, ठीक है, स्टीम ठीक सर्किट, है ये सारा सर, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक गैस प्रेसिपिटेटर क्या होता है, बॉयलर यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक माउंटिंग्स सर, क्या है, एसेसरीज क्या है, रैंकाइन साइकिल, फिर आपको बनाना आना चाहिए। आपने जो रैंकाइन साइकिल बनाया वो गड़बड़ कर दिया आपने। ओके सर, रीजनरेशन तो आपने ठीक है ठीक सर, बताया, रीजनरेशन क्या होता है, रीहीटिंग भी ठीक बताया, पढ़ा तो है आपने अच्छे से, यस सर, बट साइकिल वगैरह भी अच्छे से बनाना है अशोक। ओके ठीक है, सर, यस सर, अगर आप वो दो लाइन हटा दो तो ऊपर वाली लाइन में देयर विल बी नो डिफरेंस, तो रीजनरेशन तो आपने दिखाया नहीं कम्प्लीटली। ठीक है, इसको एक बार कंपेरिजन सर, करना। ठीक है, बाकी ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर, आपका डिलीवरी स्टाइल ठीक लग रहा है, यू आर लुकिंग कंफर्टेबल, सिंसियर आप लग रहे हो, और सब्जेक्ट आपने यस पढ़ा है, सर, दैट रिफ्लेक्शन आई गो कि आपने सब्जेक्ट तो पढ़ा है, थोड़ा यस सर, सा और प्रैक्टिस चाहिए आपको। यस सर, ठीक है, और साइकिल वगैरह की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ब्रेटन साइकिल और ये आपका रैंकाइन साइकिल है विद रीजनरेशन रीहीटिंग, बार बार बना के देखो इसे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके अशोक, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टेस्ट। थैंक यू सर।